हेलो गाइस, द हॉलीवुड डिकोडर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं डिकोड कर रहा हूँ फिल्म यस गॉड यस को। फिल्म के शुरुआत में फादर मर्फी हमें एक सेक्सुअलिटी पर लेक्चर देते दिखाई देते हैं, जिसमें बच्चों को सिखा रहे हैं कि सेक्स आउटसाइड मैरिज इज़ अगेंस्ट गॉड्स प्लान। उसके बाद फादर मर्फी पूछते हैं कि गॉड ने जो सेक्स है ये किस लिए बनाया है, तो बच्चे जवाब देते हैं टू क्रिएट चिल्ड्रंस। उसके बाद एक लड़का सवाल पूछता है फादर मर्फी से कि सर व्हाट अबाउट सेक्सिंग आर सर। उस लड़के के कहने का मतलब था मास्टरबेशन के बारे में। उसके बाद फादर मर्फी उससे पूछते हैं क्या तुम मास्टरबेशन करके बच्चे वादा कर सकते हो, तो उसके बाद एक लड़की जवाब देती है नो सर। गाइस, उसके बाद पूरा का पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है एलिस जो उस फिल्म का मेन कैरेक्टर है उसके घर पर। एलिस स्कूल से छुट्टी के बाद अपने घर जाती है और अपना लंच कर रही होती है, कंप्यूटर स्क्रीन के पास बैठी होती है। वो कंप्यूटर पर देखती है किसी लड़के ने जिसका नाम हेरी चेस्ट है उसने उसको एक न्यूड फोटो सेंड किया हुआ है। उसके बाद वो लड़का उसको मैसेज में लिख कर बोलता है ASL। इस ASL का मतलब है एज सेक्स और लोकेशन। उसके बाद एलिस उसको अपनी एज सेक्स और लोकेशन बता देती है और लड़का उससे एलिस की भी फ़ोटो मांगता है। एलिस उसको खुद का फ़ोटो सेंड नहीं करती है, वो अपने दोस्त का उसको फ़ोटो सेंड कर देती है। उसके बाद गाइस वो लड़का एलिस के साथ थोड़ी अश्लील बातें करता है, जिसके बाद एलिस मास्टरबेशन करना स्टार्ट करती है। और जब वो मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर रही होती है इसी बीच में उसकी मदर आ जाती है, तो एलिस कंप्यूटर ऑफ करके भागती है। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाते हैं जिसमें एलिस चॉकलेट पेपर को ऐसे चाटती है, इस चाटने की वजह से लड़के उसका मजाक बना देते हैं। उसके बाद फादर मर्फी और एलिस अपना वीकली इंट्रोडक्शन, एलिस बताती है कि उसने वीक में क्या किया, तो एलिस बता देती है उसने अपनी मदर को किचन में काम में हेल्प नहीं किया, अपने फादर ये बात नहीं मानी। और एलिस को उस लड़के के बारे में भी याद आ रहा होता है, हेरी चेस्ट वाले के बारे में, लेकिन एलिस उसके बारे में फादर मर्फी को कुछ नहीं बताती है। तो उसके सामने एक फ़ोटो आ जाता है जो उस लड़के ने उसको सेंड किया था। ये फ़ोटो जो उस लड़के ने उसको सेंड किया था, एलिस के दिमाग में फ़ोटो आ जाता है, लेकिन एलिस फादर मर्फी को कुछ भी नहीं बताती। तो फादर मर्फी एलिस के सर के ऊपर हाथ ऐसे रख के जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है एलिस के बारे में प्रे करते हैं, एलिस को जाने देते हैं। उसके बाद पूरा सीन शिफ्ट होता है चर्च की तरफ। चर्च में एलिस जाके जीसस के सामने अपने सारे पापा की माफ़ी मांगती है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें फादर मर्फी स्कूल के सभी बच्चों को एक टाउन एरिया में ले जा रहे हैं घुमाने के लिए, जहाँ पर एलिस एक क्रिश नाम के लड़के को देखती है। जब एलिस क्रिश नाम के लड़के को देखती है तो उसे अपना मास्टरबेशन वाला मोमेंट याद आ जाता है और एलिस क्रिश की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद एक इंस्ट्रक्टर नीना जो कि एलिस और सभी लड़कियों को उनके रूम्स दिखाने के लिए लेकर के जाती है। नीना सबको अपने रूम्स को देखने के लिए बोलती है कि आप सब लोग डोर पर अपना नाम देख लो। और नीना बोलती है अगर किसी के पास फ़ोन है तो फ़ोन सबमिट करा दे, क्योंकि यहाँ हॉलीडेज़ पर फ़ोन अलाउड नहीं है। तो एलिस अपना फ़ोन सबमिट नहीं करवाती, वो अपने बैग में हाथ डालती है फ़ोन निकालने के लिए, लेकिन इंस्ट्रक्टर नीना के हाथ में वो अपनी वॉच दे देती है। उसके बाद उसका ग्रुप लीडर होता है क्रिस। जब एलिस क्रिस से मिलती है तो वो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है क्रिस की तरफ एक बार फिर। उसके बाद क्लास में फादर मर्फी सभी बच्चों को एक फीलिंग चेकलिस्ट देते हैं, जिसमें एलिस गलती से टर्न ऑन पर क्लिक कर देती है। एलिस ग्रेसफुल पर क्लिक करना चाह रही होती है लेकिन गलती से वो टर्न ऑन पर सर्किट कर देती है। उसके बाद एलिस को रिलाइज होता है उसने कुछ गलती की है, तो वो टर्न ऑन पर कट कर देती है। जब फादर मर्फी एलिस से पूछते हैं हैव यू एवर टर्न ऑन, तो एलिस साफ मना कर देती है। उसके बाद लंच में एलिस और क्रिस आपस में बात करते हैं, जिसमें क्रिस एलिस को थोड़ा कंसोल करता है। उसके बाद नीना अपनी फीलिंग्स बता रही होती है कॉरिडोरियम में, जो उसने फीलिंग चेकलिस्ट में लिखा होता है। तो उसके फादर मदर, उसके ग्रैंडफादर जो डाइड हुए थे, जो मर गए थे, उसको अपनी फैमिली में प्यार नहीं मिलता। उसके बाद क्रिस नीना को गले लगाकर कंसोल करता है। उसके बाद सभी बच्चे नीना को कंसोल करते हैं। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें एलिस अपने फ़ोन पर सांप सीढ़ी वाला गेम खेल रही होती है, तो उसी बीच में उसका फ़ोन वाइब्रेट हो जाता है। जब उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है तो एलिस एज ए वाइब्रेटर अपने फ़ोन का इस्तेमाल करती है। अपने फ़ोन को अपने प्राइवेट पार्ट के पास लेकर के जाती है और मास्टरबेट करती है। उसके बाद अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी बच्चे जंगल घूमने गए हैं। जब सब बच्चे जंगल में घूम रहे होते हैं तो एक लड़की नीचे गिर जाती है। जब वो लड़की नीचे गिरती है तो एलिस उसको संभालता है। क्रिस उसको संभालता है ये सब देख के एलिस भी जानबूझकर नीचे गिर जाती है। और जब एलिस नीचे गिरती है तो बोलती है मुझसे चला ही नहीं जा रहा, तो क्रिस आकर एलिस को गोद में ले लेता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में एलिस जब अपने रूम में होती है तो अपने फ़ोन को निकाल रही होती है। जब फ़ोन को चेक करती है वहाँ पर एकदम से इंस्ट्रक्टर नीना आ जाती है। इंस्ट्रक्टर नीना आकर के क्रिस एलिस को बोलती है
कि हमने तुम्हें कहा था कि यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है। इंस्ट्रक्टर नीना सारी बात जाके फादर मर्फी को बता देती है। फादर मर्फी एलिस को बहुत पनिशमेंट दे देते हैं। फादर मर्फी एलिस को साफ सफाई की पनिशमेंट देते हैं। इसमें एलिस अपने साफ सफाई के काम में लगी हुई होती है। उसके बाद एलिस फादर मर्फी कंप्यूटर को देखती है कि फादर मर्फी भी एओएल पे चैट करते हैं अलग अलग लोगों के साथ। उसके बाद अचानक से वहाँ पे कोई आने वाला होता है तो एलिस कंप्यूटर ऑफ करके भाग जाती है। उसको भागते हुए यहाँ पर शायद इंस्ट्रक्टर नीना देख लेती है। उसके बाद फादर मर्फी के पास सभी बच्चों के पेरेंट्स के लेटर्स आए हुए होते हैं, जिसमें फादर मर्फी सारे लेटर्स को पढ़कर बता रहे होते हैं। जब फादर मर्फी सभी लेटर्स को पढ़कर बता रहे होते हैं तो एलिस का लेटर भी पढ़ के बताते हैं, जिसमें एलिस के फादर ने बहुत अच्छी बातें एलिस के बारे में लिखी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में फादर मर्फी सभी बच्चों को अलर्ट करते हैं, बोलते हैं किसी ने मेरा लैपटॉप कंप्यूटर छेड़ा है और जिसने छेड़ा है वो अपने आप मेरे सामने आ जाए। उसके बाद फादर मर्फी एक एक करके सभी बच्चों से बात करते हैं, जिसमें एलिस से भी बात करते हैं। और फादर मर्फी को यहाँ पर एलिस पर शक हो जाता है। उसके नेक्स्ट सीन में एलिस अपना साफ सफाई का काम कर रही होती है तो बाहर खिड़की से देखती है कि बाहर कोई हलचल हो रही है। बाहर इंस्ट्रक्टर नीना एक एरन नाम के लड़के को किस कर रही होती है और ये एरन नाम का लड़का इसी ग्रुप का मेंबर होता है। इसके बारे में एलिस अपनी दोस्त को बताती है, जिसके बारे में सुनकर उसकी दोस्त उस पर विश्वास ही नहीं करती। उसकी दोस्त उसको बोलती है तुम इस बारे में किसी को मत बताना, सारी झूठी बातें सबको लगेंगी। उसके नेक्स्ट सीन में एलिस देखती है कि फादर मर्फी कंप्यूटर पर पॉर्न मूवीज़ देख रहे हैं। जब एलिस काम कर रही होती है तो पीछे छुप छुप के फादर मर्फी को मास्टरबेट करते हुए भी देखती है। ये सारी चीज़ें देख के एलिस को काफ़ी हैरानी होती है कि फादर मर्फी दुनिया भर का ज्ञान देते हैं और खुद ऐसे हैं। उसके नेक्स्ट सीन में एलिस और क्रिस एक साथ बैठे होते हैं तो एलिस अचानक से क्रिस को कैस करने लग जाती है, जिसमें क्रिस भी थोड़ा सा सेक्सुअली चार्ज हो जाता है और वो भी एलिस को किस कर देता है। उसके बाद क्रिस अचानक से एलिस को अपने आप से दूर हटा देता है, जिसके बाद क्रिस एलिस को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके नेक्स्ट सीन में फादर मर्फी सभी बच्चों को बोलते हैं कि आप अपनी अपनी फीलिंग्स कुछ बताइए, तो सब बच्चे फीलिंग्स बता देते हैं, जो वीकली इनका रूल होता है। उसका अगला सीन हम देखते हैं क्लास कॉरिडोर का। क्लास कॉरिडोर में एलिस और क्रिस आपस में बात करते हैं, जिसमें क्रिस एलिस को बोलता है सॉरी जो कुछ भी हुआ। उसके बाद क्रिस को एलिस बोलती है कि हम फ्रेंड्स नहीं हो सकते, तो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद फादर मर्फी और एलिस आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें एलिस अपने दिन की फीलिंग्स जो उसने फादर मर्फी के बारे में देखा होता है तो फादर मर्फी को बोलती है कि मैंने किसी को मास्टरबेट करते हुए देखा है इसी कॉरिडोर में, वो कंप्यूटर पर पॉर्न मूवी देख रहा था। फादर मर्फी को खुद पर थोड़ा गिल्टी फील होता है। उसके बाद एलिस अपने घर जाती है, जिसमें डीवीडी पर पॉर्न मूवी लगाकर देखती है और मास्टरबेट करती है, और यहीं पर ही मूवी ख़त्म हो जाती है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।